स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अब देखिएगा, आज अंतिम दिनांक थी आपत्ति लगाने की थर्ड ग्रेड रीट प्रति परीक्षा। अब सभी के कन्फ्यूजन है कि जो आपत्ति लगा रहा है उसी के अंक बढ़ेंगे या सभी के बढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि सभी के बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और आ रहा है कि जिस पर आपत्ति ज़्यादा आएगी क्या उसी क्वेश्चन पर विचार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आपत्ति अगर एक भी आ रही है तो उसको भी देखा जाएगा, ठीक है, और वो भी जो भी आप सोर्सेज दे रहे हो, स्रोत दे रहे हो, उनके माध्यम से देखा जाएगा, चलेगा। अब बात आ रही है कि भाई बोनस मिलेंगे या डिलीट होंगे क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अधिकतर क्वेश्चन क्या करता है, डिलीट करता है, ठीक है, क्या करता है, डिलीट करता है। तो मान के चलिए आपके क्वेश्चन क्या होंगे, डिलीट होंगे, क्या होंगे, डिलीट, ठीक है। अब देखो, डिलीट होने के बाद जो आपके मार्क आएंगे वो किस प्रकार आएंगे। अब जैसे कि मान के चलिए 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, कितने हो गए, 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो 150 में से 10 क्वेश्चन गए कितने बचे, 140। अब इसका एक क्वेश्चन दो अंक का नहीं होगा, कितने का होगा, देखो 300 अंक टोटल है, उसमें आपको 140 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, यानी 2.20 लगभग ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, 2.20। तो आपका एक अंक कितने का हो जाएगा, दो नंबर और ऊपर 20 पॉइंट, यानी 2.20 इतना नंबर का होगा आपका प्रत्येक क्वेश्चन। इस हिसाब से नंबर जुड़ेंगे अगर डिलीट होते हैं तो, और अधिकतर क्वेश्चन डिलीट ही होते हैं, बोनस बिल्कुल कम रे चांस में बोनस मिलता है, बाकी डिलीट ही होते हैं, ठीक है। पिछले वाला एग्जाम देख लेना, उसके अंदर अधिकतर क्वेश्चन क्या हुए हैं, डिलीट हुए हैं, चलेगा। तो अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, देखिएगा, मान के चलेगा रिजल्ट आपके जल्दी आ जाएगा, और हो सके तो पहले अगर टाइम पे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का आ जाए तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि लगभग 3000 सीटें प्लस उनमें चले जाएंगे, फिर इनमें खाली नहीं रहेगी, तो ये काफ़ी बेनिफिट रह सकता है अगर उनके रिजल्ट पहले आए तो। और माना जा रहा है कि इसका रिजल्ट जल्द आपके 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में रिजल्ट जारी हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए कि भाई डिलीट होने के बाद अंक किस प्रकार डिवाइड होंगे, तो वो हमने बता दिया। चलेगा दोस्तों, और देखिए वो मान के चलेगा आपके 7 से 8 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं आराम से, और उससे थोड़ा उतार चढ़ाव भी होगा, और जो मेरिट है वो मैंने बताई है उससे ऊपर नहीं जाने वाली है, वही एवरेज मेरिट रहेगी, ठीक है, 55% से लेकर 60% के बीच में एवरेज मेरिट रहेगी, हो सकता है इससे कम भी चली जाए, तो ये मेरिट रहने वाली है, ठीक है। चलेगा दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।